इस देश के जो है नागरिक नहीं है क्या? सामान्य वर्ग भी तो इसी देश का नागरिक है। मैं कहता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति, अब वोट इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब नागरिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। तब मुझे लिखना पड़ा, मैं कहता हूँ कि जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, नीति नियंता मौका पाकर नियम बदलने लगते हैं, संविधान ही जात पात को पूर्ण प्रमाणित करता है, कानून यही जनरल कोटे को खूब प्रताड़ित करता है, सभी बताओ बुद्धि योग्यता वरदान है या अभिशाप है? क्या जनरल होना पाप है? पहले तो जनरल कोटे को कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई मरहम लाता है, कोई घाव नहीं सिलता, कठिन तपस्या मेहनत से जो कुछ थोड़ा मिल जाता है, फिर नेताओं को इनका सुख ना फूटी आंख सुहाता है, कम अंकों वाले प्रोफेसर अधिक अंक के चपरासी अब अंतहीन आरक्षण देता, योग्य सवर्णों को फांसी, जब अयोग्य पद पर बैठेगा और योग्य बाहर जाएगा, जो कुशल नहीं है आखिर वह कैसे विकास ले आएगा? सबका साथ विकास ये लगता एक झूठा आलाप है, क्या जनरल होना पाप है? आपको बताता हूँ, हम लोग सुपरमैन नहीं पैदा होते, ऐसा नहीं है कि कोई जनरल जाति में पैदा होता है तो सुपरमैन बन के आता है, उसके पास बुद्धि योग्यता धन वैभव सब एक साथ आ जाता है, ऐसा नहीं है। हम भी गरीब हैं, हम भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तब लिखता हूँ चार पंक्तियाँ और सरकार तक पहुँचाता हूँ, जिम्मेदार लोगों तक, कि क्या कमजोरी आती है जात पात को देखकर, ये नेता कैसे सोते हैं, वोट की रोटी सेक कर एक वर्ग को मुफ्त मलाई रोज रोज बांटी जाती, दूजे के हक की थाली आखिर क्यों छांटी जाती, टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, दो तो पूरा अधिकार दो, बार बार मरने से अच्छा एक बार में मार दो, जो इतनी नफरत करते हो देश निकाला दे देते, जो जाने से मना करे बीस का प्याला दे देते, राजा न्याय देवता बोलो ये कैसा इंसाफ है, क्या जनरल होना पाप है। विकसित भारत के रास्ते में अंतिम महत्वपूर्ण बताता हूँ, ये जो दोहरा और तेहरा और चौथा आरक्षण ले रहे हैं, कहता हूँ कि विकसित भारत के रास्ते में आरक्षण अभिशाप है, विश्वगुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहता हूँ कि योगी जी और माननीय जो भी न्यायालय से भी, मैं चाहता हूँ कि इस मामले को रिव्यू करें, वो भी देखें कि उनसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि उनसे गलती नहीं हो सकती, बहुत बार ऐसा हुआ है, अगर ऐसा ना होता तो जो है फर्स्ट बेंच, फिर जो है डबल बेंच, उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना ना होती, अगर उनसे गलतियां ना होती तो एक बार ध्यान देना जनरल होने के